हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर संडे गेम नंबर 2 डीसी बनाम सीएसके। ये खेला जाएगा एट वाइजैग एंड विन प्रेडिक्शन इस गेम के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ एक अच्छी बैटिंग पिच। क्या होगा इस गेम में, क्या है टैक्टिकल कॉर्नर में, कौन होंगे आपके ग्रैंड लीग ऑप्शंस, ये सब हमने कवर किया इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखिएगा। एंड मिनी जीएल्स फॉर दिस गेम इज वेल। स्मॉल लीग्स अगर आप खेल रहे हैं, माई मास 11 पे इन्वेस्टमेंट लीड बोर्ड चल रहा है एंड आज लास्ट दिन है तो डोंट मिस आउट ऑन द चांस टू मेक बेस्ट यूज ऑफ द डिपॉजिट ऑफर। क्या है वो ऑफर, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको ऑन टेलीग्राम, अप टू 5% रियल कैश। सो गो एंड मेक योर डिपॉजिट नाउ एंड रिमेंबर टू साइन अप ऑन एक्सचेंज 22, यू विल गेट ₹100 रियल कैश एज सून एज यू साइन अप। तो ये हुई बात, अब चलते हैं टैक्टिकल कॉर्नर की तरफ एंड समझते हैं क्या है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इस दोनों टीम्स की। तो दोनों टीम्स के पास काफी स्ट्रॉन्ग ओपनर्स, वाइल आप मिडिल ऑर्डर देखिए तो पंत एंड स्टम्स में एक ठीक ठाक मिडिल ऑर्डर, बट थोड़ी सी वीकनेस है एज उनका जो फिनिशिंग ऑर्डर है काफी जल्दी शुरू हो जाता है। एंड पोरेल वाइल अच्छे हैं अनप्रूवन है एंड अक्षर हमें पता है कि हॉट एंड कोल्ड जस्ट लाइक जडेजा। वाइल सीएसके की बात की जाए तो बैटिंग काफी स्ट्रॉन्ग विद द टॉप एंड मिडिल ऑर्डर परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली एंड फिनिशिंग ऑर्डर में मिचेल एंड जड्डू येलो इसलिए क्योंकि जड्डू कभी कभार अच्छे चल जाते हैं, समटाइम्स स्ट्रगल्स अगेंस्ट पेस, तो एक हॉट एंड कोल्ड फिनिशर वो है एंड उसके नीचे थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस विद रिजवी एंड सो ऑन। उसके बाद चले विद द बोलिंग साइड ऑफ थिंग्स, पीपी बोलर्स में हमारे पास खलील मुकेश, दूसरे साइड पे दीपक इज द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। तो ये है मेन बोलर्स, बट ऑफकोर्स दोनों येलो में एज दोनों जो ओपनिंग बोलर्स हैं दोनों तरफ से वो इंटरनेशनल क्रिकेट रेगुलरली नहीं खेल रहे। मिडल ओवर्स की बात की जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग फॉर डीसी इन कुलदीप, अक्षर एंड नोकिया एंड सीएसके के लिए जड्डू एंड फिज। वाइल डेथ बोलिंग एक कंसर्न है फॉर दिल्ली क्योंकि अपार्ट फ्रॉम नोकिया कोई सपोर्टिंग बोलर नहीं इनके पास एंड नोकिया भी डेथ में लास्ट गेम में काफी मार खा कर आ रहे हैं। वाइल सीएसके की डेथ बोलिंग की बात की जाए तो पथी राणा अच्छा कर रहे हैं, साथ साथ में तुषार हैं जो कभी अच्छा करते हैं कभी खराब, हैंस वो येलो साइन। तो अब समझते हैं कि क्या हम टेक अवेज ले सकते हैं फ्रॉम द स्पेसिफिक फेज वाइज डेटा। ऑफकोर्स नो सपोर्ट फॉर नोकिया द डेथ, जैसे मैंने कहा दोनों टीम्स की स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पार्टनरशिप है एंड सामने कुछ खास पेस नहीं है, ज्यादा पेस नहीं है, तो मे बी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर वन थ्रेड, वो है खलील लेफ्ट आर्म पेसर वर्सेस ऋतुराज। ऋतुराज ऑलरेडी दो बार आउट हो चुकी है अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस लास्ट 3 इनिंग्स एंड डीसी फिनिशिंग ऑर्डर अ कंसर्न, तो वहां पे पथी राणा और तुषार देश पांडे अगर वहां डालते हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट बना सकते हैं जीएल में, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हुई टैक्टिकल कॉर्नर की बात। रिमेंबर टू ज्वाइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिक टू ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम, फाइनल टीम्स अपडेट सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएंगे। आप नीचे जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वही से जुड़ेगा ताकि आप सही चैनल पे जुड़ पाए। अब चलते हैं आगे की तरफ, सीरीज लीडर बोर्ड भी चल रहा है, तो जैसे आप पूछते हैं मुझसे कई बार कि ये तो जीएल का डेटा है जो ये फेज वाइज डेटा है, इसको मैं यूज कहाँ करूं, ये आप रोटेट कर सकते हो अपने सीरीज लीडर बोर्ड में एंड मल्टीपल टीम्स यहाँ बना सकते हो। अब कॉम्पिटिशन और भी कम हो गया, सिर्फ 60,000 स्पॉट्स है ग्रैंड लीग में यहाँ पे, तो इजी चांस फॉर यू टू कीप अपिंग योर रैंक क्योंकि कॉम्पिटिशन काफी कम एंड अप टू 25 टीम्स यहाँ पे आप बना सकते हो। अब चलते हैं वेदर रिपोर्ट की तरफ, क्लियर वेदर एक्सपेक्टेड फॉर द गेम सो नो कंसर्न्स ऑन दिस फ्रंट। एंड पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो लास्ट यहाँ पे गेम हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एंड एक शीन थी उस ट्रैक पे, एकदम गुड ट्रैक फॉर बैटिंग एंड दोनों साइड्स ने 200 प्लस वहां मारा, एक काफी एक्साइटिंग चेज जो रिंकू सिंह ने कंप्लीट की, तो वही एक्सपेक्ट करेंगे हम गुड बैटिंग कंडीशंस। जॉश इंग्लिस भी यहां पे काफी अच्छा चले थे इन द लास्ट गेम, तो कुछ वैसा ही फिर से हम एक्सपेक्ट करेंगे। अब चलते हैं लाइनअप्स की तरफ, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ सिमिलर लाइनअप फॉर सीएसके, वाइल फॉर डीसी रिकी बुई ने कुछ खास किया नहीं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पृथ्वी शॉ वहां आ जाए ऊपर ओपनिंग वाले स्लॉट में एज मिचेल मार्स को ठीक ठाक स्टार्ट्स मिले बट कन्वर्ट वो उस फेज में कर नहीं पाए। 6 होप लास्ट गेम में इंजर्ड थे, लेट्स सी अगर उन्हें वापस स्लॉट मिलता है या नहीं, एज नोकिया इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे एंड ट्रिस्टन परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी इन द लास्ट वन। सो इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड ऑल्सो रनिंग ऑन माई स्मॉल लीग खेलने तो ज्वाइन करिए, सिंपल है इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड, जैसे आप ज्यादा लीग ज्वाइन करते हैं आपकी रैंकिंग वहां बढ़ती जाती है। आप चलते हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ, वी स्टार्ट द अटैक विद डेविड वॉर्नर, काफी अच्छे प्लेयर यहाँ पे, एवरेज ऑफ 39 वर्सेस सीएसके एंड इस ग्राउंड पे 50 का एवरेज एंड ये बैटिंग ट्रैक है सो यू आर एक्सपेक्टिंग ओनली। पृथ्वी शॉ की बात की जाए तो एक काफी खराब मैचअप, दीपक चहर के सामने 6 बार आउट हुए हैं सो लेट्स सी अगर खेलते हैं मुकाबला वो एक कंसर्न होगा, एल्स बैटिंग के हिसाब से तो ये कंडीशंस काफी अच्छी सो खेलते हैं तो ग्रैंड लीग्स में बिल्कुल उन्हें ट्राई करेगा। मिचेल मार्श इनका कुछ खास एवरेज नहीं रहा वर्सेस सीएसके पहले, सिर्फ 15-16 का एवरेज बट 6 विकेट ले चुके हैं पहले इस टीम के सामने एंड दुबे एंड जडेजा दोनों को दो दो बार पहले आउट कर चुके हैं, तो वो हिसाब से ऑलराउंड वैल्यू इनसे आपको अच्छी मिलेगी
एक आध इंटरेस्टिंग मैचअप है, वो हम मैचअप्स वाले सेक्शन में करेंगे। ऋषभ पंत वर्सेस सीएसके, रियली गुड नंबर्स, 46 की एवरेज एट वाइजैक, 29 का एवरेज। तो क्योंकि ये टॉप में बैटिंग करेंगे एंड दी अदर ऑप्शन इज धोनी जो काफी लो बैटिंग करेंगे, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कीपिंग चॉइस आपके लिए होंगे ऋषभ पंत इन दिस गेम। शे होप अनलाइकली टू प्ले मेरे हिसाब से इन दिस वन। एंड ट्रिस्टन स्टब्स वर्सेस सीएसके, 3 मैचेस में 25 रन, तो कुछ खास नंबर्स नहीं। एक जो चीज है, सीएसके के पास ऐसा कोई स्क्वायर टर्नर स्पिनर नहीं है, तो अगर ये फिनिशिंग ऑर्डर में पहले बैटिंग करते हैं मे बी आप ग्रैंड लीग में वहां पे कंसिडर कर सकते हो। अक्षर पटेल वर्सेस सीएसके, 17 मैचेस में सिर्फ 12 विकेट्स, एंड याद रखिए दुबे लव्स दिस टाइप ऑफ बोलिंग टैग, तो हो सकता है कि अक्षर के इस गेम में ओवर्स वहां पे कट जाए, स्पेशली दुबे स्टिक्स इन एंड 182 रन मारे इस टीम के सामने। तो वाइल आप बेस टीम से ड्रॉप नहीं करोगे, जो टीम में आप ग्रैंड लीग में दुबे को बैक करोगे वहां पे अक्षर पटेल पे चांस लिया जा सकता है। कुलदीप यादव के भी नंबर्स कुछ खास नहीं वर्सेस सीएसके, 8 मैच में सिर्फ 3 विकेट्स, बट इनका फॉर्म अच्छा है एंड इनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचअप है वर्सेस वन ऑफ सीएसके मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटर्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से एक अच्छी पिक। एक और चीज जो है ड्यू पे डिपेंड करती है, लास्ट गेम में जब यहाँ पे नवंबर में गेम हुई थी तब कुछ खास ड्यू नहीं थी, क्या इस गेम में ड्यू होगी कि नहीं वो हमें पिच रिपोर्ट के लिए रुकना पड़ेगा। मुकेश कुमार एक ठीक ठाक चॉइस, प्रॉब्लम क्या है ज्यादा एग्रेसिवली नहीं डालते, तो फैंटेसी वैल्यू के हिसाब से 1 या 2 in 10 गेम्स ही आपको दिखेगा, या 2 या 3+ वाला विकेट वाला गेम, एल्स उन्हें लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर बात करें एनरिक नोकिया की, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, 6 matches 10 wickets वर्सेज दिस टीम बिफोर, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस गेम में अच्छा कर सकते हैं। ऑफकोर्स वेरी वेरी मच कंडीशन डिपेंडेंट, बट जो लोअर ऑर्डर है सीएसके का थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ टच है, एंड वहां पे वो बिल्कुल कैश इन कर सकते हैं। खलील अहमद काफी एग्रेसिव पेसर, इनका मैचअप देखने लायक होगा इन फ्रंट ऑफ ऋतुराज गायकवाड, क्योंकि एक छोटी सी चिंक इन आमरी हमने देखी है विद ऋतुराज, सो लेट्स सी कि कैसे करते हैं खलील के सामने। इनके 8 matches में 7 wickets वर्सेस सीएसके एंड एट वाइजैक 1 match में 2 wickets, तो पहले बॉलिंग करते हैं तो बिल्कुल लिए जा सकते हैं। एक्सचेंज 22 पे भी एक अच्छा लीडर बोर्ड चल रहा है, एक्सचेंज 22 पे आपको क्या करना है, सिंपली बाय और सेल प्लेयर्स, एंड कैसे करना है वो सब एक्सप्लेन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जाके देखिए एंड साइन अप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ना है टीडीएस ना है जीएसटी। अब चलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ। पहले बैटर यहाँ पे रचिन रविंद्र, काफी अच्छे टच में लग रहे हैं, ऑफकोर्स पहले नहीं खेले इस टीम के सामने नाइस ग्राउंड पे, बट यहाँ पे अच्छे बैटिंग कंडीशंस, तो वापस एक अच्छी नॉक इनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड वर्सेस डीसी, 40 एवरेज एंड यहाँ पे 2 matches में 57 runs, खलील के पास चले गए, तो यहाँ पे एक अच्छी पारी देखने को मिल सकती है, हेंस डेफिनेटली बेस टीम में ये भी रहेंगे। अजिंक्य रहाणे वर्सेस डीसी, एवरेज ऑफ 45 एंड एट दिस ग्राउंड एवरेज ऑफ 48, तो काफी अच्छे नंबर्स एंड टॉप 3 में बैटिंग करते हैं, हेंस हाई अपॉर्चुनिटी सॉर्ट ऑफ पिक, देखते हैं कि टीम में फिट आएंगे कि नहीं, बट कैचिंग भी काफी अच्छे कर रहे हैं एंड मेरे हिसाब से मे बी एक लेफ्ट फील्ड चॉइस अच्छी बन सकते हैं इस गेम में। डैरिल मिचेल अनदर गुड पिक, गुड फिनिशिंग ऑर्डर बैटर, एंड कभी कभार दुबे ऊपर आ जाते हैं ये नीचे आ जाते हैं, सो लेट्स सी उनका स्लॉट फिक्स कहाँ होता है, प्लस ये कुछ ओवर्स भी डाल सकते हैं लास्ट कुछ गेम से, ये भी हम देख रहे हैं। शिवम दुबे वन मोर मिडिल ऑर्डर बैटर एंड राइट आर्म पेसर, बट ज्यादातर इन्हें इम्पैक्ट प्लेयर यूज किया जा रहा है, मे बी फॉर इस फील्डिंग आई एम नॉट श्योर, बट बैट से ही काम करके दे रहे हैं, 7 matches 133 runs एंड सामने कुलदीप एंड अक्षर पटेल, अक्षर पटेल को खासा ये टारगेट करने की कोशिश करेंगे, मे बी इनके सामने नोकिया को लाया जाए, लेट्स सी किस तरीके का गेम होता है इनका। मैं अभी भी इन पे थोड़ा सा 50-50 मैच, मुझे लग रहा है कि नोकिया एंड खलील के सामने थोड़ा सा इन्हें थ्रेट रहेगा, मुझे अब तक ऐसा लगा है कि टीम्स ने काफी पुअरली इनको बॉलिंग की है एंड जो मैचअप दिया है कुछ खास इन्होंने बाहर सामने वाली टीम्स ने यूज किए नहीं है, बट विद पॉन्टिंग एंड डेली मे बी यहाँ पे अलग कहानी हो। रविंद्र जडेजा वर्सेज डेली, 10 matches 11 wickets एंड एट वाइजैक 3 matches में 8 wickets, तो बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर्स इनके, एंड ऑफकोर्स आपकी बेस टीम में जगह मिलेगी चाहे ड्यू हो ना हो, क्योंकि कोई ना कोई तरीके से आपको कॉन्ट्रीब्यूट करके दे देंगे। MSD ऑफकोर्स डिफिकल्ट फॉर यू टू पिक क्योंकि काफी लो आते हैं, वर्सेज डीसी अच्छे नंबर्स, एट वाइजैक ठीक ठाक नंबर्स, जीएल में एक दो टीम में ट्राई कर सकते हो इफ द टीम बैट्स फर्स्ट। तुषार देश पांडे 2 matches में 1 wicket, इस गेम में थोड़ा पोटेंशियल बढ़ सकता है विद द बॉल एज डेथ में डाल रहे हैं एंड डेथ में दिल्ली की बैटिंग थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है, एंड सेम गोज फॉर दीपक चहर। अब दीपक चहर आएंगे इन फ्रंट ऑफ वॉर्नर एंड मिचेल मार्श या पृथ्वी शॉ, पृथ्वी शॉ आते हैं तो फिर इनको थोड़ा लेना टीम में आसान हो जाएगा बिकॉज मैचअप अच्छा है, बट अगर मूवमेंट नहीं हुई एट द स्टार्ट तो फिर दीपक चहर माइट हैव अ टफ डे इन दिस वन, इवन दो पहले इन्होंने अच्छा किया है, सो लेट्स सी बेस्ड ऑन कंडीशंस इन पे फाइनल कॉल लिया जाएगा। मतीशा पतिराना डेफिनेटली टीम में रहेंगे
आज जैसे मैंने कहा दिल्ली का बॉटनम ऑर्डर कभी चले कभी ना चले तो वो हिसाब से इनका काम बन सकता है। एंड ये प्रीवियस डेटा भी बता रहा है 2 मैचेस 5 विकेट्स, जो एडवाइजर डेटा है उसको आप इग्नोर करिए क्योंकि वो एक दूसरे प्लेयर का है, वो यहाँ से निकाला नहीं गया है फॉर सम रीजन। मुस्तफिजुर रहमान वर्सेस डीसी 2 मैचेस 4 विकेट्स एंड एट वाइजैक 2 मैचेस 3 विकेट्स, तो काफी अच्छे नंबर्स यहाँ पे। एंड अब तक एक रास्ता ढूंढा इन्होंने कैसे ना किसे विकेट्स लेने का, तो आई विल क्योंकि यहाँ पे तीनों चारों पेस ऑप्शंस काफी अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा सा हमें बैलेंस कॉल लेना पड़ेगा कि किसे लिया जाए और किसे ना लिया जाए। सो दैट कॉल आई विल टेक पोस्ट द टॉस। अभी चलते हैं मैचअप्स की तरफ। मिचेल वांस वर्सेस जडेजा, आप देख रहे हैं यहाँ पे 13 और 16 रन एक बार आउट हुए हैं। डेविड वार्नर वर्सेस दीपक चहर 69 और 64, 2 डिसमिसल्स। पृथ्वी शॉ वाला मैचअप यहाँ पे नहीं डाला मैंने, एज पृथ्वी शॉ का खेलना पक्का नहीं है, बट 6 बार आउट हुए हैं दीपक चहर के सामने, स्ट्राइक रेट ऑफ अबाउट 125। अजिंक्य रहाणे वर्सेस कुलदीप यादव 2 डिसमिसल्स एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 70, एंड शिवम दुबे 2 डिसमिसल्स इन फ्रंट ऑफ मिचेल मार्श एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 81। सो सम रियली इंटरेस्टिंग नंबर्स हियर। तो अब बनाते हैं हमारी आज की फैंटेसी। तो वी स्टार्ट विद द कीपिंग सेक्शन या एंड ऋषभ पंत यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस आपके लिए बन के आएंगे। इन द बैटिंग सेक्शन डेविड वार्नर रचिन रविंद्र दोनों को आप नहीं छोड़ना चाहोगे, ना आप छोड़ोगे ऋतुराज गायकवाड को, शिवम दुबे बेस्ड ऑन द टॉस एंड कंडीशन, सेम फॉर अजिंक्य रहाणे। ऑलराउंडर्स में मिचेल मार्श, रविंद्र जडेजा एंड डैरिल मिचेल होंगी स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स। अक्षर पटेल थोड़े से 50-50 चॉइस। वाइल बॉलिंग सेक्शन में से एनरिक नौकिया, मथीशा पतिराना एंड कुलदीप यादव बेस्ड ऑन फॉर्म विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइसेस। अब यहाँ पे 10th प्लेयर कौन सा होगा ये हमें डिस्कस करना पड़ेगा एंड पोस्ट टॉस एक कॉल लेना पड़ेगा। अभी के लिए मेरा थॉट प्रोसेस ये है दैट इफ सीएसके बोल फर्स्ट दीपक चहर एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं, वाइल इफ डीसी बोल फर्स्ट खलील अहमद यहाँ पे एक ठीक ठाक चॉइस बन जाएंगे। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइसिस की बात की जाए तो मुझे लग रहा है मिचेल मार्श विद द बॉल इस गेम में यूज होंगे, हेंस उनको बैक करूंगा। एंड वाइस कैप्टनसी वन बिटवीन डैरिल मिचेल एंड रविंद्र जडेजा बेस्ड ऑन कितने बॉलर्स वहां पे खिलाती है चेन्नई, क्योंकि लास्ट गेम में हमने देखा कि रविंद्र जडेजा के कुछ ओवर्स वहां पे कटे एंड डैरिल मिचेल उनसे ऊपर बैटिंग करेंगे। तो अभी के लिए ये रही हमारी आज की टीम। उसके अलावा कोई भी चेंजेस होंगे तो मैं आपको बता दूंगा ऑन टेलीग्राम। जीएल पिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप अजिंक्य रहाणे को बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं क्योंकि अच्छे नंबर्स है, एंड शिवम दुबे ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन फॉर्म, अक्षर पटेल इफ देयर इज एनी साइन ऑफ टर्न इन द ट्रैक एंड स्पेशली इफ ही इज बोलिंग सेकंड, एंड इन द बोलिंग सेक्शन एनरिक नौकिया। जीएल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस सेम फॉर मतीशा पतिराना, तुषार देश पांडे स्पेशली अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो आप कुछ टीम्स में ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का प्रीव्यू। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, आई होप आप सभी को ये यूजफुल और इंसाइटफुल लगा। जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए। ज्वाइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिकेट प्रो एंड रिमेंबर टू हिट द लाइक बटन। कॉन्टेंट पसंद आया तो कॉमेंट करिए, शेयर करिए एंड सी यू ऑल वेरी सून इन अनदर प्रीव्यू।